श्री शिवाय नमस्तु। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। शनिवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा, तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें, बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ, शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का है। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान शिव का स्मरण करते आनंद करते। शंकर सुख की दायिनी है, शिव आनंद के। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने दो तीन व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा, तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने दो तीन व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है, धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर, अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, दो बार चार बार छह बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर वो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, जो शिवलिंग के ऊपर रखा हो। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है, और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस दिया, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी, और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा, संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव जम के बोलिए जरा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण, हाटकेश्वर